क्या आपको भी लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस महंगी होती जा रही है? आपको लगता है कि उसके प्रीमियम्स ऐसे हो गए हैं कि लॉन्ग टर्म में शायद अफोर्ड नहीं हो पाएंगे? हेल्थ इन्फ्लेशन 14% की है, इसका मतलब इंश्योरेंस कंपनीज के प्रीमियम तो हर साल बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो एक ब्यूटीफुल टूल है जिससे आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स को कम कर सकते हैं, इसको कहते हैं डिडक्टेबल। डिडक्टेबल क्या होता है, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सो बेसिकली आप देख पा रहे हैं, ये आपका क्लेम अमाउंट है। मान लीजिए आप हॉस्पिटल में गए और इतने अमाउंट का आपका क्लेम आ गया। अब आपने डिडक्टेबल चूज करा हुआ है पॉलिसी में। डिडक्टेबल का क्या मतलब है कि ये थोड़ा सा अमाउंट इनिशियली आप दे दोगे, उसके ऊपर जो बाकी सारा क्लेम है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। ये थोड़ा सा अमाउंट आप दे दोगे, उसके ऊपर जितना भी क्लेम अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। इसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या देगी? डिस्काउंट। तो आप डिडक्टेबल चूज कर सकते हैं। और हाँ, ये साल में एक बार ही सिर्फ आपको देना है। मान लीजिए पहला क्लेम आया तो इनिशियल जो डिडक्टेबल अमाउंट है, हम लेते हैं 25,000 का डिडक्टेबल आपने लिया है, तो 25,000 क्लेम अमाउंट में आप देंगे, बाकी का पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी। और ये साल में सिर्फ एक बार ही। नेक्स्ट क्लेम जो भी आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी पूरा सेटल करेगी, आपको दोबारा नहीं देना है। सो, इस तरीके से डिडक्टेबल काम करता है। उसके बदले में कंपनी आपको डिस्काउंट देती है। तो आज हम एक्सेल में देखेंगे कैलकुलेशन कि डिडक्टेबल लेने का क्या वाकई में फायदा होता है कि नहीं होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौर चिक्कू और मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ लास्ट 18 ईयर्स से एसोसिएटेड हूँ और हर वीक आपके लिए वीडियोज लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। डिडक्टेबल और नो डिडक्टेबल हम देखेंगे एक्सेल पे कंपैरिजन। सो यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने प्रीमियम लिया है फॉर अ फैमिली ऑफ फोर। चार लोगों की फैमिली है, हस्बैंड वाइफ, 36-34 एज है और दो बच्चे 5 और 2। मैंने जोन 1 का प्रीमियम लिया है जो कि है दिल्ली, दिल्ली NCR, मुंबई, नवी मुंबई, गुजरात, इस जोन का प्रीमियम लिया है। जोन 2 के प्रीमियम्स कई पॉलिसीज में कम होते हैं। यहाँ पे मैंने फैमिली फ्लोटर पॉलिसी ली है कि चारों कवर शेयर कर रहे हैं और 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया है। अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रीमियम पे करती, मैं डिडक्टेबल की बात ही नहीं करती, तो मेरा प्रीमियम आता लगभग, मैंने अप्रॉक्सीमेट लिया है सो दैट कैलकुलेशंस हमारे लिए इजी रहेंगी, 33,000 का एनुअल प्रीमियम आता। अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ मैं 25K मतलब 25,000 का मैं डिडक्टेबल ले लेती हूँ तो मुझे डिस्काउंट मिल जाता है 25,000 का। इसका मतलब है कि मेरी सेविंग कितनी होगी, 33,000 माइनस 25,000, 8,000 रुपये, 8,000 रुपीज़ की मेरी सेविंग होगी। अब मैंने दूसरा ऑप्शन है कि 50K का डिडक्टेबल ले लिया। ये डिडक्टेबल अलग अलग पॉलिसी में वेरी करेंगे, डिडक्टेबल अमाउंट और डिस्काउंट अमाउंट सम इंश्योर्ड के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। तो अलग अलग पॉलिसी में आप चेक कर सकते हैं, मैंने सिर्फ ये एग्जाम्पल लिया है। अब मैंने ज्यादा डिडक्टेबल ले लिया, मतलब मैं बोल रही हूँ कि टोटल क्लेम में मैं ज्यादा पैसा पे करूंगी तो क्या होगा, डिस्काउंट बढ़ जाएगा। सिंपल लॉजिक, मैं बोल रही हूँ कि पहले इनिशियली मैं ज्यादा पे करूंगी, पहले मैं बोल रही थी 25,000 पे करूंगी तो कंपनी ने बोला चलो आप 25% डिस्काउंट ले लो टोटल प्रीमियम पे। अब मैं बोल रही हूँ कि मैं ज्यादा पे कर दूंगी, 25,000 की जगह मैं 50,000 पे कर दूंगी तो कंपनी क्या करेगी, डिस्काउंट बढ़ा देगी। फिर मैं बोलूंगी कि 50,000 की जगह मैं 1,00,000 पे करती हूँ। ये आपको पॉलिसी लेते टाइम ही डिसाइड करना है या रिन्यूअल पे आप चेंज कर सकते हैं। मैंने बोला मुझे 1,00,000 रुपए का डिडक्टेबल लेना है विच इज 100K, तो मेरा डिस्काउंट और ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि कंपनी को पता है कि पहला 1,00,000 रुपए उनको नहीं देना है। सो, इसी तरीके से डिस्काउंट बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप डिडक्टेबल बढ़ाते जाएंगे। बट आपको ये समझना जरूरी है कि डिडक्टेबल अमाउंट आपको बियर करना है पहले। दूसरा, मैंने यहाँ पे देखा कि 50,000 के साथ 40% डिस्काउंट हो गया, इसका मतलब मेरा 33,000 का प्रीमियम हो गया 20,000 रुपीज़, सेविंग होगी 13,000 रुपीज़ की। तीसरा, मैंने बोला 50% डिस्काउंट मुझे मिलता है 33,000 पे अगर मैं 100K का डिडक्टेबल लेती हूँ जो कि 1,00,000 रुपये है साल में एक बारी, तो मेरी सेविंग हो जाती है 16,000, मेरा प्रीमियम हो जाता है लगभग 50% गिर गया तो 17,000 एक तरह से मेरी सेविंग है। ये एस्टिमेटेड है। अब आप बोलेंगे 16,500 होना चाहिए, मैंने सिंपल रखने के लिए 16 और 17 रखा है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं नीचे सिनेरियो ले लेती हूँ। मैंने लिया कि 4 साल तक आप पॉलिसी चलाते रहे, आपका क्लेम नहीं आया तो क्या होगा, जो डिस्काउंट जो आपको मिल रहा है प्रीमियम पे वो क्या है, आपकी सेविंग। तो जो आपको डिस्काउंट मिल रहा है हर साल वो आपकी सेविंग हो जाएगी। तो मैंने एग्जाम्पल लिया कि 4 साल तक आपने क्लेम नहीं लिया, तो आपने अगर रेगुलर पॉलिसी ली होती तो आप 33,000 × 4 पे करते, मतलब 1,32,000 प्रीमियम पे करते 33,000 × 4। अभी मैंने एज्यूम नहीं करा कि प्रीमियम बढ़ेगा इन्फ्लेशन की वजह से एंड सो ऑन, इसको सिंपल रखने की कोशिश करी है। अगर आप 25,000 का डिडक्टेबल लेते तो आपका प्रीमियम हो जाता आफ्टर 25% डिस्काउंट 25,000 रुपीज़। आप 25,000 4 साल तक पे कर रहे हो तो आप टोटल प्रीमियम पे कर रहे हो 4 साल में 1,00,000 रुपये। आपका डिस्काउंट कितना हो गया, 132 माइनस 1,00,000, 32,000 रुपये आपने बचाए 4 साल में, ठीक है। फिर हमने बात करी कि अगर 50K का डिडक्टेबल आप लेते हैं तो इसी तरीके से 20,000 रुपये साल का आप पे करेंगे, 4 साल में आप 80,000 पे करेंगे, आपकी सेविंग होगी 52,000। अगर आप फुल प्रीमियम पे करते तो 1,32,000 पे करते। अब आपने डिडक्टेबल वाला प्रीमियम पे किया तो 52,000 आपकी सेविंग है। अब आप बात करते हैं कि 100K का आपने डिडक्टेबल लिया है, मतलब 1,00,000 रुपये का डिडक्टेबल है,
उस केस में जो आपका प्रीमियम है दैट इज 16,000 रुपीज़। 16,000 आप चार बार पे करेंगे, चार साल का सिनारियो लिया है तो 64,000 आप पे कर रहे हैं, तो सेविंग कितनी होगी आपकी, 1,32,000 माइनस 64,000, तो लगभग 68,000 आपने चार साल में बचा लिया अगर आपका क्लेम नहीं आया तो। ईयर फाइव में अगर क्लेम आ जाता है तो उस केस में क्या होगा, फर्स्ट सिनारियो में 7,000 रुपीज़ का आपका नेट नेट एक तरह से प्रॉफिट है, मतलब 7,000 रुपये आपने बचाए अगर आपने 25,000 का डिडक्टेबल लिया था इन सिनारियो वन। अब हम बात करते हैं सिनारियो टू में, जहां पे आपने 50,000 का डिडक्टेबल लिया था। यहां पे क्या हुआ, फिफ्थ ईयर में आपके पॉकेट से कितने पैसे गए, आपके पॉकेट से कितने रुपए लगे, 50,000 रुपीज़, बिकॉज आपने 50,000 का डिडक्टेबल लिया था तो 1,00,000 में से 50,000 का क्लेम सेटल होगा। नेट नेट आपको 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है पांच सालों के। हम बात करते हैं थर्ड सिनारियो में, जहां पे आपने 1,00,000 का डिडक्टेबल लिया है। यहां पे क्या हुआ कि 1,00,000 रुपए का क्लेम आया, पूरा का पूरा 1,00,000 आपने पे करा, इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं पे करा, बिकॉज आपका डिडक्टेबल अमाउंट ही 1,00,000 रुपीज़ है। 68,000 आपने ऊपर प्रॉफिट आपका था, तो यहाँ पे नेट नेट आपका 4,000 का लॉस हो गया, मतलब 4,000 रुपीज़ आपको अपनी पॉकेट से देने पड़े क्योंकि आपने डिडक्टेबल ऑप्शन चूज किया हुआ था 1,00,000 का। सो यहाँ पे ये भी है कि अगर आपके पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है या आपके पास कोई और इंश्योरेंस पॉलिसी है तो वहां से आप ये इनिशियल डिडक्टेबल अमाउंट क्लेम कर सकते हैं, तो आपका ये प्रॉफिट लॉस सिनारियो नहीं रहेगा। ये तब है जब आपके पास कोई और इंश्योरेंस कवर नहीं और आपको कैश में डिडक्टेबल अमाउंट पे करना पड़ रहा है। अब हम आगे बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या हुआ। हम बात करते हैं पॉलिसी और पांच साल चल जाती है, तो सेम सिनारियो है, 33,000 आप यहाँ दे रहे हैं, 25,000 आप 25K डिडक्टेबल में दे रहे हैं और 20,000 आप 50,000 डिडक्टेबल पे दे रहे हैं एंड 16,000 आप 1,00,000 के डिडक्टेबल पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने लिया ईयर 9 तक कोई क्लेम नहीं आया उसके बाद, तो 25,000 फिर आपने पे किया अगले पांच साल, तो 9 साल में आपने 2,25,000 पे कर दिया। फर्स्ट सिनारियो में आपने 2,97,000 पे करा अगर 9 साल आपने प्रीमियम भरा है, फुल प्रीमियम 33,000। यहाँ मैं दोबारा बोल रही हूँ, मैंने प्रीमियम इंक्रीज एज पर एज एज पर इन्फ्लेशन कंसिडर नहीं करा है, फॉर सिंपल कैलकुलेशन 25,000 डिडक्टेबल में मैं प्रीमियम पे करूंगी इन 9 ईयर्स 2,25,000 और 50,000 डिडक्टेबल में पे करूंगी 1,80,000 और 1,00,000 डिडक्टेबल में पे करूंगी 1,44,000। मतलब आप समझिए कि वो सिनारियो वन था कि फिफ्थ ईयर में क्लेम आ गया, इसको हम बोलते हैं सिनारियो वन। तब क्या हुआ, इसको कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और ये है सिनारियो टू कि आपका क्लेम यहाँ पे आया, 10 साल तक कोई क्लेम ही नहीं आया, तो उस केस में क्या होगा, 10th ईयर में क्लेम आया और 5th ईयर में क्लेम आया। तो यहाँ पे आप जो सेविंग कर रहे हैं, आप 25,000 डिडक्टेबल में आप सेव कर रहे हैं 72,000 रुपीज़, मतलब टोटल अमाउंट आपको देना था 2,97,000 बट डिडक्टेबल के साथ आपने पे किया 2,25,000, तो 72,000 आपने सेव किया फर्स्ट सिनारियो में। 50,000 डिडक्टेबल के साथ आपने सेव किया 1,17,000, 1,00,000 डिडक्टेबल के साथ आपने सेव किया 1,53,000 रुपीज़। अब हम बोल रहे हैं कि ईयर 10 में क्लेम आ गया, 9th ईयर तक क्लेम नहीं आया, 10वें साल में क्लेम आ गया, अब क्या होगा, 1,00,000 रुपए का क्लेम आया, 1,00,000 फर्स्ट सिनारियो में इंश्योरेंस कंपनी पूरा पे कर देगी, सेकंड सिनारियो में क्या होगा, 25,000 आप पे करेंगे, 75,000 इंश्योरेंस कंपनी। तो ये कैलकुलेशन क्या आएगी कि आपने जो सेविंग करी थी 72,000 की, उसमें से अगर हम माइनस कर लें आपका क्लेम अमाउंट, अरे 72,000 आपको प्रॉफिट हुआ था और 25,000 आपने क्लेम पे कर दिया, तो 72,000 माइनस 25,000 इज 47,000, तो आपका नेट नेट जो सेविंग हुई वो हुई 47,000 की। अब ये डिडक्टेबल अमाउंट ज्यादा था, 50,000 का डिडक्टेबल था तो आपकी सेविंग ज्यादा हुई थी, आपने 1,17,000 रुपए बचाए थे, यहाँ पे 50,000 रुपए ऐसे डिडक्टेबल आपको पे करना पड़ गया, 1,17,000 का प्रीमियम है और 50,000 आप डिडक्टेबल सेव कर रहे हैं, डिडक्टेबल के लिए आप पे कर रहे हैं, तो आपकी सेविंग होगी 67,000 रुपीज। तीसरे सिनारियो में आपकी सेविंग कितनी हुई थी, 1,53,000 रुपीज, 1,00,000 आपने क्लेम में पे कर दिया जो 10th ईयर में आया, फिर भी आपकी सेविंग है 53,000 रुपीज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर लॉन्ग टर्म में आपके क्लेम्स नहीं आ रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है, आपको सेविंग हो रही है, आपका पैसा बच रहा है और क्या है, प्रीमियम भी कंट्रोल में रहेगा क्योंकि डिडक्टेबल के साथ हमेशा आपको डिस्काउंट तो मिलने ही वाला है प्रीमियम पे, चाहे वो 25% हो चाहे 50% हो, डिपेंड करेगा अलग अलग डिडक्टेबल अमाउंट में, तो लॉन्ग रन में प्रॉफिट ही है। तो मैं कंक्लूड ये करना चाहूंगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है, सी मेरे हिसाब से मिनिमम डिडक्टेबल के साथ पॉलिसी ले लेनी चाहिए, जो कि हम बात कर रहे थे कि छोटा सा जो डिडक्टेबल अमाउंट है वो देना इजी है, अपनी पॉकेट से आप भर दें कल को क्लेम आता है तो इट्स एन ईजियर अमाउंट, वेयर एज बड़े डिडक्टेबल के साथ अगर आप प्रिपेयर्ड हैं कि आप बड़ा डिडक्टेबल पे कर सकते हैं, बड़े अमाउंट का डिडक्टेबल क्लेम के टाइम पे, तो ही लीजिएगा, अदरवाइज छोटे अमाउंट के साथ तो हर कोई पॉलिसी ले सकता है, चाहे उनके पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है, बैकअप है या नहीं है। इससे क्या होगा, आपके प्रीमियम्स कंट्रोल में रहेंगे एंड एट द सेम टाइम आपको डिस्काउंट भी मिलते रहेंगे। और दूसरा, हम ये भी तो सोचते हैं ना कि शायद हमें हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने की जरूरत ही ना पड़े, तो ये उसका भी सॉल्यूशन है, क्लेम नहीं करा तो क्लियरली आपकी सेविंग है, क्लेम कर भी लिया तो लॉन्ग रन में नुकसान नहीं है। तो ये एक्सेल शीट आपको हेल्प करेगी कि आपको डिडक्टेबल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये मेरा टेक था, ये मेरी सोच है और जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है उस हिसाब से मैंने आपको ये एक्सेल शीट बना के दी है।
कुछ भी क्वेश्चंस हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, कुछ भी आपका फीडबैक हो शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। एंड जाने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोज हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। हर वीक आपके लिए वीडियो एक, क्यों, क्योंकि हम भूली गई क्या बोलना था, 4 साल कोई क्लेम नहीं आया। ये वीडियो शूट करने के लिए ना एसी बंद करना पड़ता है और फिर गर्मी लगती है, कि आवाज़ क्लियर आए आप लोगों को। हम बात करते हैं पॉलिसी, और 4 साल चल चुकी है, 9 साल में पे कर दिया, तो 2,25,000 कुछ गड़बड़ है। धीरे थोड़ा,